الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر अभीरण है अज़ीज़ अभी मैंने अजान के कलेमात कहे आप इसका वक्त देख लीजिए मुमकिन है एक मिनट भी नहीं लगा होगा अगर ज़रा सा बुलंद आवाज़ और कर दें ऐलान की तरह तो डेढ़ से दो मिनट में अजान ख़त्म हो जाती है आज मैं अजान पर एक मख्तर सी तकरीर करना चाहता हूँ हिंदुस्तान में अजान का मसला शुमाली हिंदुस्तान में यूपी में इधर कर्नाटक में कई मकाम पर सुनने में आ रहा है इससे पहले 2001 में अज़ान पर कलकत्ते में आवाज़ उठी थी और कलकत्ता कोर्ट ने कुछ इसमें मुदाखलत की थी वो रिमार्क्स मुझे याद नहीं है। अलबत् अजान पर बैन लगाने की बात हो रही थी खुदा की क़ुदरत ऐसी मार पड़ी कि दिल्ली में मंकी मैन निकल गया ये मिस्टीरियस बोल रहे थे लेकिन उसी ज़माने में जब ये दिल्ली में मंकी मैन निकला मैंने पाँच छः दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा मंकी मैन क्या है ये निकला कहाँ से किस तरह भगाया जा सकता है हैदराबाद के एक मशहूर रोजनामा डेली न्यूज़ उर्दू सियासत में, में मेरा आर्टिकल फुल पेज दो कॉलम चौड़ा मेरा आर्टिकल छपा कि ये क्या है बंदर इंसान उसका सर बंदर की तरह होता है जिसम इंसानों की तरह होता है मैंने कई रेफरेंसेस दिए ये जंगलों में अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है और सड़कों के किनारों पर जो दरख्त होते हैं तकरीबन उन दरख्तों पे ऊपर बैठ जाता है और मुकामी ज़बान की बोली बोलता है बात करता है लोग इंसान समझते हैं नीचे चले जाते हैं बुलाता है मैं ऊपर दरख्त पे अटक गया मुझे निकालो नज़दीक आओ नज़दीक गए तो जाने वाले के शोल्डर्स पे अपने पांव रख के उतर जाता है और उस पर कब्ज़ा कर लेता है ये जिनों की एक किस्म है इसको अरबी में गुल भी कहते हैं ग़ुल गुल, गुल आबानी मशहूर है मैं आर्टिकल लिखा और उसका हल ये बतलाया कि जब ल निकल जाए तो जहाँ नज़र आता है वहाँ अजान दी जाए अगर ये घरों में नज़र आ रहा है घरों में फसाद कर रहा है आबादियों में घूम रहा है तो आप हर घर में लोग अजान दें ये भाग जाएगा 2001 में जब ये दिल्ली में निकला था तो अखबार देखना हो तो उठा कर देखिए कि इतनी इसने धूम मचाई थी कि ये दिल्ली में फ़र्श कर लो पुरानी दिल्ली में या नई दिल्ली में अगर वो निकल गया एक छलांग लगा था दस दस किलोमीटर दूर शादरा के आगे आगे तक लगाता था और लोगों के घरों पे कूद जाता था जो लोग हमाम में पानी नहा रहे हैं मर्द हों या औरतें बन हमाम में घुस जाता था उनको लोच देता था भाग जाता था फौज अलर्ट हो गई अखबार में ये तिलाई आई कि आर्मी को अलर्ट कर दिया गया लेकिन आर्मी नहीं पकड़ सक रही थी मेरी ये तमाम बातें देखना है तो जबकि अखबार निकाल कर देख लीजिए उर्दू इंग्लिश हिंदी वगैरह वगैरह जब मैंने आर्टिकल सियासत में लिखा वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था ये जो सियासत में छपा ये रात के आखिरी फ्लाइट हैदराबाद से दिल्ली जाती थी उसी से अखबार जाते थे दिल्ली वहाँ पर ये पहुँचा और भोपाल के अखबार ने दिल्ली के अखबार ने भी मेरे आर्टिकल को यहाँ से कोट करके छापा मैं ये कह कर डेली सियासत को सब एडिटर को दिया वो सब एडिटर मेरा क्लासमेट था मैं ये बोला कि ये छापो ये छप रहा वो भाग रहा मेरे दोस्त बोले तनवीर भाई दावा मत करो आप मैं बोला मैं दावा नहीं कर रहा हूँ मैं भगा रहा हूँ अगर बोला तो दावा है ये छप रहा वो भाग रहा और ऐसा ही हुआ इत्तेफाकी बात यह है कि मेरे मैं उस्मान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा मैं काम कर रहा था और यहाँ ईरान कौनसलेट जो हैदराबाद में है उससे मेरे मेरी आमदोरफ थी रवाबित थे ईरान कल्चर हाउस दिल्ली तिलक रोड वालों ने इनसे रब पैदा किया और कहा मेरा नाम लेकर कहा कि ये आदमी आपका पर्शियन डिपार्टमेंट का उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ऐसा ऐसा बोल रहा है हमारे पास दिल्ली में खौफ का ये आलम था कि एम्बेसीज का जो लाइन है आ, उस इलाके का नाम मुझे याद है ये तो तिलक मार्ग था और जहाँ जहाँ एम्बी से सब लोग अपने दरवाजे बंद करके फाटकों को बंद करके मेन गेट्स को अंदर के कमरों को दरवाजे लगा के दिन भर रह के जा रहे थे कहाँ नज़र आ जाएगा किसको मारेगा किसी को पता नहीं है इस खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे बहरहाल दिल्ली से ईरान कल्चर हाउस तिलक रोड जिसका ऑफिस है वहाँ से हैदराबाद को ईरान कौनसलेट को फ़ोन आया मेरा नाम लेकर यहाँ पर उन लोगों ने इतला दी कि हम लोग ऐसे खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे हमने ईरान कल्चर हाउस में अज़ान दी खौफ ख़त्म हो गया हर तरफ अजानें दी गई उसी दिन वो भाग गया आज इंटरनेट पे आप उसको ओपन करके देखिए टू थाउजेंड वन मंक, मंकी मैन इन दिल्ली तो ये लोग कह रहे हैं एक मिस्टीरियस मैन था उसका बंदर का चेहरा था वो किधर से आया था फिर किधर चलेगा कब चलेगा नहीं मालूम तो ये चूंकि उर्दू अखबार की न्यूज़ थी मुसलमानों ने पढ़ा मुसलमानों ने आजादी वो चले गया किसी को रेफरेंसेस चाहिए तो आप वो टू थाउजेंड वन कौन सा दिसंबर का महीना है मई का महीना है देख लीजिए आज मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ इस मुख्तसर सी से इंट्रोडक्शन के बाद में ये अजान बहुत बड़े फज़ाइल की चीज़ है मुझे बचपन से आदत है बीमारों को जो मिर्गी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं आदमी गिर जाता है कभी एड़ियाँ रगड़ता है हाथ रगड़ता है दीदे पलट जाते हैं बेहोश हो जाता है तो मैं बचपन से स्कूल जाता हूँ या वापिस आता हूँ रास्ते में ऐसा कोई हादसा होता तो मैं फौरी अपनी साइकिल फेंक कर वो पेशेंट को पकड़ के उसके सीधे कान में अजान बाएं कान में अजान एक दो तीन चार पाँच छः सात अजान दे देता कोई तीन अजानों में कोई पाँच अजानों में पेशेंट उठ के बैठता सात अजान होने से पहले पहले उठ के खड़े हो जाता होश में आ जाता इरा इस्लाम आज ये मौका है मैं मुसलमानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये इंसानियत की ख़िदमत कीजिए कोई पेशेंट कोई बीमार एपिलेप्सी का जिस पे अटैक हुआ है वो ज़्यादातर छोटे बच्चे देखे जाते हैं बड़े भी होते हैं औरतें भी होती हैं जब ये मुतासर हो जाए चाहे एड़ियाँ रगड़ने लगे आप उसको पकड़ लीजिए उसके कानों में अजान दीजिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीमार मुसलमान है हिंदू है क्रिश्चियन है इसका क्या मजहब है क्या दीन है कोई ज़रूरत नहीं है इंसान है बीमार है अजान दो अच्छा कर दो अजान के कलिमात के बारे में बहुत फजाइल आए हैं जब अजान होती है तो शैयातीन पलट के भागने लगते हैं अगरचे कि यह लफ्ज़ मुनासिब नज़र नहीं आएगा लेकिन चूंकि आया है शैतान भागता है पीठ पलटा के अजान होती तो पीठ पलटा के पाते हुए भागता है हवा निकलते रहती भागते रहता आज जो मुखालिफत हो रही है उस पर ज़्यादा तबसरा मैं नहीं करना चाहता सिर्फ दो बातें टेक्निकल में कहता हूँ आज हिंदुस्तान ने सारी दुनिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तैयार हो गई हैं पहले अजान माइक में नहीं दी जाती थी उसकी ज़रूरत थी ही नहीं सिंगल स्टोरी पुराने घर मट्टी के घर बग़ैर माइक के अजान देते तो बहुत दूर दूर तक फजर में तो दो, दो तीन तीन किलोमीटर दूर तक एक आदमी की आवाज चले जाती थी आज बिल्डिंग्स इतने तामीर हो चुके हैं ये कंक्रीट का जंगल बन गया है कंक्रीट का जंगल जब आ जाता है तो आवाज आगे नहीं जा सकती है आज जो माइक में अजान देने की जरूरत है ये किसी को शौक नहीं है ये जरूरत है ये बात हुकूमत केिमेरा जिम्मेदारों तक मैं पहुंचा रहा हूं। पहले मैं वकला से कहता था कि ये आप रिट में ये बात डालो लिखो कि अजान माइक में देने की देना आज की ज़रूरत है नमाज का वक्त किस मस्जिद में कब अजान हो रही है पंद्रह मिनट में जमात हो जाती है नमाज ठहर जाती है हर मस्जिद में अलग अलग वक्त अगरचे के साढ़े बारह से या पौने एक से शुरू होता है तो असर तक रहता लेकिन मस्जिद में अलग अलग वक्त में अजा होती है महल्ले के लोग आ जा सकें इसलिए इतला देने के वास्ते है अजान देना इतला है इस्लाम में जब अजान शुरू हुई तो उससे पहले क्रिश्चियंस के पास नाखुश बजाना होता था और आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं में घंटियां बजाते हैं तो घंटी बजाने का वक्त मुकर नहीं है उनके पास अंग्रेज़ों के ज़माने में अजमेर शरीफ में एक केस आया अजमेर के रहने वाले हिंदुओं ने दरख्वास्त दी अंग्रेज़ों के ज़माने पुलिस में कि हमको आवाज़ों से तकलीफ़ हो रही है बहरहाल वो अंग्रेज़ थे जैसे भी थे वो लोग इंक्वायरी करने के लिए आए सबसे पहले वहाँ पर उस वक्त जितनी मंदिरें थीं उनके पास गए और बोले कि आप क्या करते हैं कीजिए है। तो फौरी पंडित उठ के ठन टन बजाना शुरू किया दो चार मंदिरों पर गए वो उन्होंने बजा दिया इसी तरह मुसलमानों के पास आए कहा कि तुम कैसा बुलाते हो बुलाओ तो उन्होंने बोले हम जब चाहे जब नहीं बुलाते हमारे पास एक वक्त मुकर है उसी वक्त हम बुलाते हैं तो उन लोगों ने वक्त पूछा इन्होंने वक्त बताया सुबह दोपहर शाम दिन की दो अजाने असर मिलाए तो ऐसी अजान जो रात से पहले और दिन के ख़त्म पे होती है और शाम की वक्त बता दिए गए अंग्रेज़ों के जो जजेस थे पुलिस के साथ आए उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी इन लोगों की अजान का वक्त मुकर है हर वक्त ये लोग अजान नहीं देते और आप जब चाहे बजाते हैं दिन और रात आपके पास मुकर नहीं है शायद ये भी बताया कि आपको भी अगर ऐसा है तो आप ही वक्त मुकर कर लीजिए मगर वो आज तक वक्त मुकर नहीं हो चुका अजीजों अभी चंद साल पहले कोरोना कि वबाई महामारी मेरा नाम सैयद मोहम्मद तन्वीरुद्दीन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तन्वीरुद्दीन फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मेरा नाम याद रखिए ताकि आप कोरोना के वक्त के मेरे वीडियोस देखिए जिस उसी वक्त ये कोरोना से जस्ट एक आध दिन आगे पीछे टिड्डी निकला था टिड्डी लुकास जो पाकिस्तान की तरफ से निकला इंडिया में घुस गया था यही वक्त था मैं ईशा पढ़ के जमीन लेटा हुआ था ये न्यूज़ आते मैं फ़ौरी उठ के बैठ के मेरे टेलीफोन पे मैं लाइव टेलीकास्ट कर दिया और बताया कि अजान दो टिड्डी भाग जाएगा जब शुमाली हिंदुस्तान वाले और जो पाकिस्तान के करीब हैं वो इन लोगों ने सब ने अजान दी और वो एक ही रात में जब ही चले गया उस वक्त मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशल्स को प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे जिम्मेदारों को एड्रेस करके अब जैसा एड्रेस कर रहा हूँ वैसा करके मैंने कहा कि आप अपनी मीडिया को बोलिए मेरी आवाज़ पहुँचाइए लुकास तो एक ही दिन में चला गया उसके बाद में जब कोरोना शुरू हुआ महामारी तो मैंने तकरीर की मेरी तकरीर सिर्फ हिंदुस्तान है हिंदुस्तान पाकिस्तान कोत अरब के तमाम अमेरिका बरतानिया सब जगह फैल गई मुझे ताज्जुब हुआ कि दूसरे दिन मक्के मुकरमा में लोग अजान पांच वक्त की अजानों के अलावा अजान दे रहे थे वो अजाने मेरे को पहचानने वाले लोगों ने भेजी बताया कि यहाँ पर भी अजान दी जा रही है मक्के मुकरमा में दी गई मदी तैयबा में दी गई मदी तैयबा में तो बीमारियाँ नहीं घुसते मगर दे दिए बेचारे लंदन में पुलिस वालों ने पुलिस की गाड़ी के पीछे ठहर के अजान दी है वीडियो सारे आ रहे थे अमेरिका में अजाने हो रही थी यहाँ तक कि कोरोना फरार हो गया हमारे पास के मासूम मासूम बोलो इनोसेंट बोलो एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलो रूलर्स बोलो उन्होंने बोले थालियाँ बजाओ मोमबत्ती जलाओ अरे क्या जलाया मोमबत्ती देख के उन्हें भागते मोमबत्ती देख के आते ऐसा नहीं है ये सब तमाशे होके रह गए अजाने सारे वर्ल्ड में दी गई हजारों अजाने दी गई मुझे मैं जिनको नहीं जानता अमेरिका से और इंग्लैंड से लोगों ने मेरा पता कहाँ से हासिल किया मुझे नहीं मालूम मुझे टेलीफोन किया शुक्रिया अदा किया बच्चों का खौफ दूर हुआ बड़ों का खौफ दूर हुआ और वो महामारी गायब हो गई लोग मर रहे थे अगर अजान देते होते तो बचते रहते थे बहुत से लोगों ने दिया बज गए कोई मुश्किल नहीं हुई आज भी वो वक्त है ये जो अजान को रोक रहे हैं यूपी है और कौन कौन सा बिहार है कहाँ है तड़प तड़प के मांगे मरेंगे अगर अजान रुको रुक जाएगी तो अजान जारी रहने दो तुम्हारे एपिलिप्सी के जो पेशेंट्स हैं किसी मस्जिद के पेशमाम से महजन से बच्चे को ले जाके उसके उसकी कान में अजान देने लगाओ जब अटैक हो जाए अगर जभी दे तो अटैक दूर हो जाता है अगर मुसलसिल सुबह शाम सुबह शाम सात अजाने देने की आदत बना लें तो एक अरसे में चंद दिन मुसलसिल करने से वो बीमारी जा बिल्कुल चली जाती है बीमार अच्छा हो जाता है लेकिन उसके उत कितने दिन है मुद्दत मुझे याद नहीं है वरना मैं भी दे देता ऐसी कोई कोताही नहीं करता आप तमाम से मैं दरख्वास्त करता हूं सुनने वालों से कि वो अपनी मस्जिदों में अजानों का जो एहतमाम किया जाता है अगर कहीं रोका जा रहा है तो उनसे गुफ्तगु कीजिए बोलिए कि अब ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई हैं हमारी आवाजें दूर तक नहीं जा सकती हैं हमारी ये मजबूरी है हमको शौक़ नहीं है आप उनको समझाइए कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को समझाइए वकला को समझाइए ताकि वो आपका साथ दे सकें हमको शौक़ नहीं है अजान माइक से ही होना नहीं है किसी एक गैर मुस्लिम बेचारा जो सऊदीया में या कोत में काम करता था उसकी एक स्पीच आई मुझे पसंद आई उसने कहा कि अरब में जो अज़ान होती है अफ्रीका में होती है दो तीन जगह का नाम लिया बोला कि इतनी मीठी आवाज़ होती है इतनी सरेली आवाज़ होती है कि बार बार सुनना दिल बोलता है वो शख़्स का नाम याद नहीं है कोई गैर मुस्लिम है हिंदुस्तान का आदमी है हिंदू है वो बिल्कुल सच कह रहा है मैं अपने महल्ले की बात कह रहा हूँ इस महल्ले की मस्जिद यहाँ सामने है इस मस्जिद में एक आदमी को अजान देने की आदत थी मरे तक अजान देते रहा किसी को देने नहीं देता था फजर की अजान इतनी हैबतनाक अजान देता था माइक फुल रख के नींद में से हम उछल जाते थे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान में लिखा है जान देने वाले की आवाज़ अच्छी होना चाहिए एक पुराने जमाने का एक वाक लिखा शेख सादी ने गुलिस्तान में एक बादशाह की बेटी यानि शहजादी जिसको रानी कहते हैं वो मुसलमान होना चाहती थी बादशाह रोकता था वो नहीं सुनती थी वो मुसलमान होने पे इसरार करती थी ये गुलिस्तान में लिखा हुआ है यहां गुलिस्तान रेडी अलमारियों में होंगी मैं निकाल के बोल सकता हूँ उसका नंबर दे सकता हूँ इस शिकायत का एक दिन वो लड़की जो मुसलमान होना चाहती थी बाप से उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं होना चाहती बादशाह परेशान होकर पूछा क्या बात है तो बोले ये जो अजान देने वाला है उसकी मेरे को आवाज पसंद नहीं है बादशाह ने तोहफे तहैफ लेके उस मौजन को ले जा कर दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी मुसलमान नहीं हो रही आपकी आवाज़ से उसके बाद आपने एक शेर कहा आवाज़ खुशस काम होता हाँ लबे शीरी। मीठे होठों से अच्छी आवाज शीरी आवाज बहुत भली मालूम होती है बाहर का ये भद्दे मुंह की भद्दे आवाजों की अजान देने वाले इनसे एक हमारी छबी छबी को छबी छबी बोलते लोग ये मुसलमानों की छवि खराब कर रहे हैं ये बुरी आवाज के लोग अच्छी अजान सीखना चाहिए खूबसूरत लहन से अजान देना चाहिए मौजनों से मेरी दरखास्त है कि अच्छी आवाज में अजान देना सीखो ये शिकायत नहीं है इस महल्ले की मस्जिद में मैं जहां से बात कर रहा हूँ इस महल्ले की मस्जिद में एक आदमी था जिसको बड़ा शौक था वो किसी को देने नहीं देता था इतनी गंदी आवाज थी के मैं ये महल्ले में आके तकरीबन तेवीस साल होने आया इस मस्जिद को नहीं गया उसके मरने के बाद जा रहा हूं ऐसे जिद्दी दीवाने ऐसे पागल दीवाने अरे अजान की तरतीब तो सीखो अच्छी ट्रेनिंग लो कुरान मजीद जिस तरह जय असवातकुम जयलाना अभी अस्वतम तुम कुरान मजीद को अपने आवाज़ों से जीनत दो खुशनुमा बनाओ ये हुक्म है अजान को खुशनुमा बनाओ ये क्या है पहले हमारे जो मौजिन थे मोजिन रसूल वसल्लम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह उनकी आवाजान ऐसी अजान थी हजूर ने फरमाया कि बिलाल मैं मैंने तुम्हारी अजान की आवाज़ अर्श पे सुनी है हजूर जब मेराज में गए तो उस वक्त उन्होंने सुना अजीज़ा ने गिरामी अजानों की हिफाज़त कीजिए अच्छी आवाज़ों से बच्चों को सिखाइए ताकि अजान देने का शौक़ बढ़े अजान सीखिए सिखाइए और जो मिर्गी एपिल्पी के पेशेंट्स हैं उनके लिए पढ़िए और एक बात जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके कानों में सात अजान है सीधे तरफ बाए तरफ एक दो तीन चार पाँच छ सात डिप्रेशन के पेशेंट्स को अजान दीजिए कानों में उनके नजदीक कान के पास मुंह ले जाके अल्लाह लाहर अल्लाह लाहगर इतना ऐसी आवाज से अरदुल्ला कान में फूंक दीजिए तो डिप्रेशन का मरीज तो आपकी एक अजान में अच्छा हो जाता है एक दो तीन एक हफ्ता दीजिए दो हफ्ते बहुत हो गया लेकिन ये ये एक तबका है भाई हमारी अजान में तासीर नहीं भाई हमारी दुआ में तासीर नहीं हमारी दुआ नहीं होती है हम हराम खा रहे हैं हम हराम अरे कई को हराम खा रहे हैं रे हराम खाना छोड़ो ना हम हराम खर में बोलना शर्म नहीं आ रहा जुम्मा के खुद में बोलते रहते हम इस्लाम छोड़ दिए नाम मुसलमान है नाम के मुस ये माते मत बोलो तुम अपनी ये बुरी आदतें छोड़ो मुसलमानों में मायूसी मुसलमानों से दिलों से निकालो अरे कौन सा गुनागार है लाओ पकड़ के उस गुनागार से मैं अजान देने लगाता हूँ पेशेंट के कान में कैसा अच्छा नहीं होता देखेंगे गुनागर बेगुना पाबंद ये कहाँ से लेके आए आप कौन पहचानने वाले हैं कौन सा थर्मामीटर रखने वाले हैं तुमने तो बर्बाद किया हिंदुस्तान को आज मस्जिदों पे कब्जे क्यों हो रहे हैं तुम कराए मस्जिदों में शुरह फल पढ़ाने नहीं लगाए जहाँ पढ़ रहा पढ़ाई पढ़ा हो रही थी रोकी कुरान को तुमने रोका मस्जिदों से मस्जिदों को वीरान किया आज मस्जिदें शहीद हो रही हैं तारीख़ी मसाजिद हिंदुस्तान की शहीद हो रही हैं यही तो देवबंदी है यही तो नदवी है जो गांव गांव गली गली मस्जिदों में कुरान मजीद की तिलावत को रुकाते रहे अरे खत्म हस रही खत्म करने वाले खत्म हो गए कुरान खत्म नहीं होती अरे दीवाने तेरे को इस तरह नहीं मालूम है तो क्या हुआ इस तरह गुमराह मत करो डिप्रेशन का पेशेंट कौन है ला पकड़ के अपने महल्ले के पेशवा हमसे महजन से अजान दिला लो अच्छा हो जाएगा डिप्रेशन दूर हो जाएगा कोई इनकार करता है नदवी है देवबंदी है और कौन कोने चकड़ावी है कितने कितने गुमराह हैं ये लोगों की जबान से इन कलमा भी पड़े तो कलमे का असर नहीं होता होगा इस वास्ते से बोल ले रही अल्लाह की मार है हम क्या करेंगे अल्लाह अल्फाज में कलमात में शिफा रखी है ये कलेमांत उसकी जबान को पुरतासीर बनाते हैं उसकी जबान को अल्लाह के हमदना के लायक बनाते हैं तुम्हारी जबान बर्बाद है तो हम क्या करेंगे बिरा दरानी मक्रम अल्लाह तुमको तोफ़ी तरमाएं जो सुन रहे हैं वो लोग मजद कुछ तफसील चाहते हैं अगर से कि मेरा पता मालूम नहीं होगा कैसा रहेगा सारे हिंदुस्तान को आप राबा पैदा कर सकते हैं फुटनोट पर कोई एड्रेस भी डाल दिया जाएगा इन टेलीफोन में दे देना नहीं चाहता लोग दिन में रात में कभी भी टेलीफोन करते अब मैं भी मेरी भी उम्र माशाला अच्छी खासी हो गई है इसलिए रातों में टेलीफोन में बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए मैं नंबर नहीं डालूँगा कोई ऐसी वसीला दे देंगे कि आप रबा कर सकते हैं हमारा एक सौ साल कदीम मदरसा मदरसे सूफिया है तसोफ़ की अमली तरबियत गाह है नाइनटीन थर्टीन में ये क़ायम हुआ था अभी भी चल रहा है तेरह सौ इकतीस हिजरी में क़ायम हुआ है महाराष्ट्र के एक मकाम पर है मैं इसी लिए इस वसूख के साथ मैं लोगों को तलखीन कर रहा हूँ जो सिलसिले से वाबस्ता हैं वो लोग जो वाबस्ता नहीं हैं वो लोग जो कलेमा गोए वो अजान दे पेशेंट्स को अगर मर्द आदमी नहीं मिलता है तो घर की औरतें बच्चों के कानों में अजान दे सकते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद एक कान में अजान एक कान में खामत दी जाती है इसमें राज यही है कानों में अजान देने से जिन भाग जाते हैं जिन बच्चों को मुतासर नहीं कर सकते जिनके असरात से बचा लेती है अजान अब अज़ान की मुखालिफत करने वाले इसी वास्ते परेशान हैं कि उन अजान से खौफ होता है जिन उनको डराते हैं आप अजान दीजिए जिन भागेंगे शयातिन भागेंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आबादियों से जिनों शैतानों और शरीर बदमाश इंसानों के शर से मुसलमानों को और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला महफूज रखे औरतों को बच्चों को मर्दों को सबको महफूज रखे मज़ीद और एक बात ज़िमनन याद आ गई है लोगों को जो आजकल बीमारियां बहुत हो गई हैं और इलाज भी बहुत हो गए हैं एलोपैथिक मेडिसन पुराना इंडियन मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन ख़त्म हो गया और ये आ, ये मेडिसिन चल रहा है ये लोग दवाएं ऐसी दे रहे हैं कि आदमी एक से चार बीमारियां लग जाएं और पेशेंट हमारे पास आता रहे ये यहूदियों की साजिश है मैंने वोर गाजी तो देखा नहीं सुना बच्चों से कि वो लोग जानवरों के चारे में दवा मिलाते हैं जहर मिलाते हैं कि बीमार जानवर बीमार हो जाए मर जाए दवाएं ऐसी देते हैं कि दवा खाने वाला एक बीमारी की दवा देते दूसरी बीमारी पैदा हो जाती जैसा साइकिल का पंक्चर बनाने गए तो साइकिल का मैकेनिक दूसरी बीमारी निकालता बाइक का मेकानिक एक काम कराने गया तो मेकानिक उसमें दूसरी बीमारी पैदा कर देता कार वालों का भी यही हाल है ये मेडिसिन वालों का भी यही है एलोपैथिक मेडिसिन में बोला करता था लोगों को बोलता था दुआ करो एलोपैथिक मेडिसिन के शर्स अल्लाह बचाए। कोरोना की दवा निकाले अब कितने लोग मर रहे हैं साइड इफेक्ट आठ तक साइड इफेक्ट चल रहे हैं ये मेडिसिन नहीं है इंसानों के ख़ात्मे का उनकी तदाद घटाने के लिए कारोबार कर रहे हैं अल्लाह तन के शर्स महफूज रखे बयान का कबूल फरमाए लोगों को हिदायत सल्ला तखिर खल़ी सीध महमदिन